हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर आर -4 -2 -3 -5 3 -2 2 3। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर है तो सेम ऑर्डर लेना है, ए बी सी डी, या तो ए बी सी डी ऐसे लेना है या ए बी सी डी ऐसे लेना है, ऐसा नहीं कि ए बी सी डी, ठीक है, ऑर्डर में लेना है। ठीक है, ऐसे लो ऐसे लो। तो ए पहले वाले को ए मान लेते हैं, -4 -2, दूसरा हो जाएगा -3 -5, थर्ड 3 -2 एंड फोर्थ 2, 3। अब हम हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला है, एरिया क्वाड्रिलेटर का नहीं है। ठीक है, चार पॉइंट दे रखे हैं तो एरिया क्वाड्रिलेटर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों डायगोनल को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जॉइन ए टू सी। अब क्या करेंगे, हम ए बी सी एरिया निकाल लेंगे और ए डी सी का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, एरिया निकालना हमें पता है तो फाइंड करते हैं, पहले एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री y1 माइनस y2। अब पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्या होगा, ABC हाफ x1 क्या होगा -4, y2 क्या होगा -5 माइनस y3 क्या होगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस x2 कितना है हमारे पास -3, तो प्लस की जगह लिख देंगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। y3 कितना होगा -2 माइनस y1 कितना है -2, तो -2 को प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस। फिर x3 कितना है 3, तो प्लस 3। y1 है -2 फिर माइनस y2 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा हाफ। -4 -2 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा -3 ये 0 हो जाएगा, और -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, प्लस 3 5 -2 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 4 12 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12, ये 0 हो जाएगा -0 प्लस 9, और 12 प्लस 9 कितना होगा, ये होगा 21 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब फाइंड करना हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, इसका क्या होगा, हाफ फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लगेगा, हाफ अब ए डी सी, यानी इधर को एक्स वन वाई वन मान लो, इसको एक्स टू वाई टू, इसको एक्स थ्री वाई थ्री मान लो, तो क्या होगा हाफ एक्स वन क्या होगा -4 वाई टू क्या होगा 3, एक मिनट ना, एक्स वन होगा -4 y2 -3 -y3 y3 क्या होगा y1 y2 y3 y3 -2, तो माइनस आई प्लस 2 हो जाएगा, प्लस क्या होगा x2 कितना होगा, ये x1 हो गया, x2 हो गया 2, फिर होगा y3 कितना होगा -2 माइनस y1 कितना होगा -1, तो हो गया प्लस 2, y1 कितना है प्लस 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x3 कितना है 3 प्लस 3, फिर है y1 है -2। ठीक है, फिर माइनस y2 कितना है 3। सॉल्व करते हैं इसको, 1/2, इसमें क्या है हम ADC ले रहे हैं। ठीक है, इन इसको ले रहे हैं, तो अगर हम इसको भी ले सकते हैं ना, इस पॉइंट को x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, लेकिन यह है कि अगर एक को हम इसको हो सकता है प्लस में आए, ये वाला घूम के हो सकता है माइनस में आए, लेकिन एरिया हमें प्लस में लेना है, इसलिए माइनस को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो -4 3 प्लस 2 5 होगा, 5 हो जाए 20, तो -20 हो जाएगा।
टू माइनस टू कैंसिल, जीरो, जीरो को टू से प्लस करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। माइनस क्योंकि थ्री प्लस टू माइनस फाइव होगा, माइनस फाइव को फाइव से करेंगे फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन तो माइनस फिफ्टीन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस थर्टी फाइव अपॉन टू, लेकिन एरिया प्लस में लेते हैं तो एरिया आ जाएगा थर्टी फाइव अपॉन टू, प्लस में ले रहे हैं स्क्वायर यूनिट, ठीक है। दो एरियाज आ गए, तो अब निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इसका एरिया कितना होगा, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आया था जो फाइंड किया था हमने, 21 अपॉन टू, प्लस ए डी सी कितना आया था, 35 अपॉन टू। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, 21 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 56 अपॉन टू, काटेंगे 28 हो जाएगा, 28 स्क्वायर यूनिट,